हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मिनी जी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखो पीछे घड़ी में अभी सुबह के 9:30 भी नहीं बजे हैं और मैं वर्कआउट करके नहा के एकदम रेडी हो गई हूँ आज सुबह सुबह, वो भी संडे के दिन। ओ माई गडनेस, आई लव माई सेल्फ सम डेज यार। कितना मतलब मेरा एंथुजियाज्म आज ऑन पॉइंट था। मुझे युवान ने आज सुबह 6:30 बजे उठा दिया था जबकि मैं रात को 12 बजे सोई थी, वो तो 7 बजे सो गया था। मैं उसने उसके बाद खेल कूद के अपना वो दोबारा सो गया और मैं लेटने लगी थी, पर मैंने सोचा नहीं यार आज नहीं लेटूंगी, अगर आज लेटगी आज भी वर्कआउट चला जाएगा और 2 दिन ऑलरेडी मिस हो चुका है। तो मैं फटाफट अपना वर्कआउट किया और नहा के एकदम मस्त सी करारी सी रेडी हो गई हूँ। गौरव अभी भी सो रहा है पर आई थिंक वो 10 बजे उठेगा। चलो तब तक कोई बात नहीं, मैंने कॉफ़ी पी ली थी आज सुबह जल्द पहले उठ के, ग्रीन टी नहीं पी थी, तो अब मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊंगी और अपने फेवरेट स्पॉट यानी कि यहाँ बैठ के मज़े से पीऊंगी क्योंकि यार डिजर्व करती हूँ, आज तो मैंने सुबह सुबह सब कुछ कर लिया है। सो फ्रेंड्स, चाय मैंने पी ली थी पर अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठ के पीते युवान उठ गया था, तो फिर मैंने बेड में ही बैठ के चाय पी थी। और चाय पीने के बाद मैं किचन में बिजी हो गई थी क्योंकि जैसे मैंने बताया था हमारे घर आज गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने सारा कुछ रेडी कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रेडी किया है। तो ये हो गया है खाना रेडी और ये देखो मेरी काम वाली बाई भी आ गई है सुबह सुबह। ए भाई, झाड़ू कट का सब कर दे है ना जी मैम साहब? हाँ, अच्छा सा हिसाब कर देना, मेरे से इतना काम नहीं। कोई हिसाब हिसाब नहीं होगा तेरे को, कनाडा लेके आई ना मैं, तू काम करेगी, काम करेगी, मिनिमम वेज भी नहीं मिलता मैम साहब, मैं कहीं और काम कर लेगी। तू कहाँ काम करेगी? तू मेरे घर में काम करेगी? नहीं मैम साहब, मेरा हिसाब कर दो। नहीं, बर्तन पड़े बर्तन कर, चल चुपचाप। नहीं मैम साहब, तेरा पासपोर्ट फाड़ दिया मैंने, फाड़ देख लिया मैम साहब, मैं तेरा पास बहुत कूड़ा करकट रहता है इस गर्मी। हाँ तभी तो तेरे को रखा है, कूड़ा करकट नहीं होगा तो तुझे क्यों रखूंगी पागल। तू काम कर चल, नहीं जल्दी, आपका कुत्ता इतना गंदगी डालता है सामने। इस घर में सब गंदगी डालते हैं, मेरा घर वाला सबसे ज्यादा गंद डालता है, मैं तुझे वो कुछ ज्यादा घर ही नहीं होता, वो गंद कहां से डालता है? तो वो तो गंद डाल के भाग जाता है वो बाहर। नहीं मैम साहब, मैं नहीं करेगी ये, तो ज्यादा बात मत कर, काम कर चल। मम्मा और बेबी तो रेडी हो गए हैं गेस्ट को अटेंड करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, आप भी हैरान हो जाओगे। ये देखो घर का हुलिया गौरव ने तो आज बदल ही दिया, क्या सफाई की है, अमेजिंग 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 अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, हमारे जो गेस्ट ने आना था वो आके चले गए, हमें बिल्कुल टाइम मिला शूट करने का क्योंकि पहले हमने सफाई वगैरह की, फिर खाना वगैरह सर्व करने में, और आज युवान भी थोड़ा सा क्रैंकी था, देखना जरा गुड़गुरा तो हम थोड़ा सा बिजी थे इसलिए कुछ भी शूट करने को नहीं मिला। लेकिन आज खाना कैसा बना था करे? है ना, खाना अच्छा बना था पर बहुत सारा बच गया, उन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा खाया, पता नहीं क्यों, या तो अच्छा नहीं बना या फिर उनका पेट भरा हुआ था। है गौरी, अच्छा था? अच्छा अच्छा था, अच्छा था भाई। वाइंड अप करके फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि बहुत सारा खलारा पड़ा हुआ है अभी किचन में। और ये कुकी और कुकी के पापा लगे हैं मस्ती मजाक करने और खेलने में, पता नहीं ये दोनों क्या करते रहते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ बस लगे रहते हैं। तभी कुकी ना गौरव के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाती है, उसको इतना मिस करती है। बल्कि बेस्ट हस्बैंड, सारे बर्तन धो दिए चकाचक। और फ्रेंड, सारी किचन साफ करने के बाद ना, आज सारी किचन गौरव ने साफ की क्योंकि युवान बहुत क्रैंकी था, तो मैं ना युवान को लेके बैठ गई, गौरव ने सारे बर्तन धोए और उसके बाद अब वो लॉन मूविंग कर रहा है। कितना ज्यादा काम किया है ना उसने ये 2 दिन में, माय गुडनेस। कभी तुम काम वाली बन जाते हो, कभी तुम हजाम बन जाते हो, आज तुम पेड़ पौधों की कटिंग शटिंग कर रहे हो, गार्डनर हो। ओ ये देखो जी फ्रेंड्स, ये देखो फ्लावर, हमें ना इसका नाम नहीं पता, मुझे हमको लगता है डेलिया है बट ये डेलिया नहीं, क्योंकि डेलिया तो हमने इस साल लगाया है, पर ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है बट पता नहीं क्या है, वाओ फ्लावर है बट सीरियसली। पर ना ये पता है क्या, ये बस अभी आया है और आई थिंक ये है ना बस झड़ जाता है ना जल्दी जल्दी। हाँ ये झड़ जाते हैं जल्दी जल्दी बट बड़े सुंदर है। रुबाब दिखाना, रुबाब, रोब नहीं रुबाब। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हो गया है नेक्स्ट डे। कल ना इतना ज़्यादा काम किया गौरव ने, कल आपको जैसे पता ही है उसने लॉन मूविंग की, सारी डिशेस की, सुबह सारी सफाई भी की, ही वॉज जेन्युइनली बहुत टायर्ड हो गया था वो। और मैं भी युवान के साथ काफ़ी थक गई थी क्योंकि मैं उठी भी कल सुबह जल्दी की हुई थी, तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया और हम लोग डिनर करके सो गए थे। बट अब मैं उठ गई हूँ, मैंने मेरी कॉफ़ी ब्रू कर ली है, मैं पीऊँगी मेरी कॉफ़ी और उसके बाद करूँगी वर्कआउट और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ आज हमारा दिन। और ये मेरा बेबी उठ के आ गया, गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है?
तुम दोनों का सारा दिन यही चलता रहता बस। ये देख लो जरा, उसको भी चैन नहीं है ये सब कराए बगैर, तुमको भी चैन नहीं है सब करे बगैर उसके साथ। और फ्रेंड्स वापस आ गया हमारे काउच के कवर पर। कल तो गौरव ने जो घर चमकाया और काम किया ना, हैट्स ऑफ बेबी, आई लव यू फॉर एवरीथिंग। यू द बेस्ट। सारे बर्तन धोए, लॉन मूविंग किया, इतना काम किया बेचारे ने कल। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाहर और करने लगी हूँ अपना वर्कआउट। मैं आपका वर्कआउट करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स मेरा वर्कआउट हो गया और मैं नहा भी ली हूँ, युवान उठ गया है। और सीन ये है अब कि हम ना ज़रा जा रहे हैं बाहर। हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फेब में ना समवेयर इन द मिड ऑफ फेब गौरव की कार का ना हो गया था एक्सीडेंट, पीछे से किसी ने बम्प कर दिया था। बहुत वो स्नोई सा दिन था, तो उसके थोड़े दिनों के बाद हो गया युवान। तो हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कार ठीक करवाने का। तो हम जा रहे हैं, हमने क्लेम तो ले लिया था बट एस्टिमेशन वगैरह कुछ नहीं लिया था। तो अब हम जा रहे हैं वो करवाने, क्योंकि समर्स है, हमको है हम अब कार ठीक करवा लें, नहीं तो फिर पता नहीं लगता यहाँ मौसम का कब चेंज हो जाए। तो हम उसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये बाबूजी भी उठ गए थे हमारे, तो हम इनको लेके जा रहे हैं अपने साथ। मतलब मैं भी जा रही हूँ, अदरवाइज मैं ना जाती अगर ये सो रहा होता तो वो हम जाते हैं और हमारी कार का ज़रा पता करके आते हैं कि क्या कब ठीक होगी, कब देनी है, कितने टाइम में मिलेगी और वो सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। आर यू रेडी? अब कुकी विल गेट एक्साइटेड है। तुम पता नहीं क्यों उसके साथ पंगे करते रहते, जाने से पहले ये देख लो। तो फ्रेंड्स गौरव चला गया है शॉप के अंदर, जो ऑटो शॉप है उसके अंदर, और मैं और युवान कार में बैठे वेट कर रहे हैं कि गौरव अभी आएगा। क्योंकि मुझे एक्चुअली प्रोसीजर इतना पता नहीं है, मुझे इतना पता है कुछ एस्टिमेशन लेनी है तो वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे जो डैमेज हुआ है। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि डैमेज हुआ कहाँ था एक्चुअली में। तो फ्रेंड्स ये हुआ था हमारा डैमेज, जो किसी ने बम्प कर दी थी कार हमारी कार में आके। एक्चुअली मौसम ख़राब था यार, किसी को कुछ कह नहीं सकते, कोई बात नहीं किसी से भी हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट चलो जो भी हुआ है इसको ठीक कराना है अब हमको, क्योंकि फिर हमारा जो स्टैंड है वो यहाँ पर लग नहीं पा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो ये ठीक हो जाए फिर उसके ऊपर बाद हम इसके ऊपर स्टैंड लगाएंगे हमारा। फ्रेंड्स हमारा पोपट हो गया, जिससे हमने एस्टिमेशन और सारा कुछ लेनी थी ना, वो अभी कहीं चला गया है। तो बोलते हैं एक घंटे के बाद आना, मतलब मैं तो ऐसे ही आ गई मुझे लगता है। गौरव बेकार जमाई। और ये मेरा बेबी जा रहा है काम पे। हैव अ नाइस डे बेबी, आई एम गोना मिस यू। बहुत स्मार्टी लग रहा था आज गौरव, स्मार्ट स्मार्ट से तैयार होके गया था। तो फ्रेंड्स गौरव चला गया है काम पे और मेरे पास आज है दो काम, दो टास्क है मेरे। एक है युवान की लॉन्ड्री जो मैं डाला हूँ बेसमेंट में, और दूसरा है जो कल रात को डिनर किया था और अभी ब्रेकफास्ट के बर्तन। टाणा पता नहीं यार इतने बर्तन कैसे जूठे हो जाते हैं हमारे, दो जाने हम घर में नहीं है, आई डोंट नो। तो फ्रेंड्स मेरे बर्तन धुल गए हैं और युवान के कपड़े भी धुल के ऊपर ले आई हूँ मैं। तो आज के टास्क मेरे काम ख़त्म हो गए हैं और युवान अभी सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर उसके साथ आराम कर लूँ, क्योंकि यही मौका होता है जब आप आराम से सो सकते हो, क्योंकि बेबी सो रहा होता है जब। और मेरे पास आज ऐसा कोई घर का काम है नहीं, क्योंकि कल गौरव ने बहुत हेल्प कर दी थी, बहुत सारे काम कर दिए थे। तो इस व्लॉग को लंबा और नहीं खींचेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिनी जी व्लॉग, और बने रहिए हमारे साथ। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं अपकमिंग व्लॉग्स में, क्योंकि नेक्स्ट वीक से गौरव की हो रही हैं समर ब्रेक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।